हेलो दोस्तों, हम सब चाहे जितने भी रोटी कम बनाने की कोशिश करते हैं, रोटियां बच जाती है। तो आज हमने सोचा है कि नया रेसिपी दिखाएं। तो आज हम रोटी का नूडल्स बना के दिखाते हैं, और कैसे बनाएंगे वो भी देखिए ध्यान से। तो ये देखिए, रात की रोटियां बच गई है, तो इसे इन्वेस्ट मत करो, इसका नूडल्स बना के खाओ, बहुत ही चटपटा। तो मैं कैंची से इसे कट कर ले रही, आपके पास चक्कू है, चक्कू से भी कट हुए तो देखिए ऐसे सारे होंगे। और रोटियां को अच्छे से कट कर लेंगे, और देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है, नूडल्स जैसे देख सकते हैं। और घर में बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, और खाइएगा और कमेंट करके बताइएगा जरूर कि हमारा रेसिपी कैसा लगा आपको। बहुत ही डिलीशियस बना के दिखाएंगे। तो मैं सारे रोटी को ऐसे ही कट कर रही हूँ, और मैं एक तरफ कढ़ाई रख दी हूँ गैस पे। देखिए सारी रोटी तैयार हो चुकी है, तो हम इसमें ऑयल ऐड कर रहे हैं। आप कोई भी ऑयल पसंद हो तो डाल सकते हैं। इसमें ना 2 चम्मच करी मैंने ले रखा है, अब इसमें हम डाल देंगे। इसमें हम जीरा ऐड कर रहे हैं, और ना आपके पास जो भी वेजिटेबल है वो आप ऐड कर सकते हैं। तो हम प्याज छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिए थे, तो मैंने कढ़ाई में डाल दिया है, इसको भी हम भून रहे हैं। अब मिर्च कट करके डाल रहे हैं, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, बच्चों के लिए थोड़ा कम कीजिएगा। तो मैं हरी मिर्च ऐड कर ली हूँ, इसे मैं भून रही हूँ। तो दोस्तों वीडियो को फुल वॉच करिएगा, बिल्कुल स्किप मत करिएगा। और बहुत ही लाजवाब डिलीशियस नूडल्स बना रही हूँ। तो मैं शिमला मिर्च ऐड कर रही हूँ इसमें, इसे भी मैं अच्छे से भून लूँगी। इसके बाद मैं टमाटर ऐड कर लूँगी, आपके पास आप आलू भी ऐड कर सकते हैं, वेजिटेबल कोई भी हो सारे ऐड कर सकते हैं, और बहुत ही अच्छा लगेगा। तो मैं चाउमीन मसाला ली हूँ, वो मैं आपको दिखा रही। और यहाँ जिंजर और लहसुन का पेस्ट है, उसे मैं ऐड कर रही हूँ। तो मैंने 1/2 चम्मच करी मैंने इसे ऐड कर लिया है कढ़ाई में। इसे डालने के बाद स्वाद बहुत ही अच्छा आ जाता है, इसलिए मैं डाल रही हूँ। आपके पास नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो मैं देखिए चाउमीन मसाला है, उसे हम ऐड कर रहे हैं। आप चाहें तो मैगी मसाला भी ऐड कर सकते हैं, इसे भी हम अच्छे से भून ले रहे हैं। तो इसमें हम भूनने के बाद इसमें हम ग्रीन चिली सॉस डाल रहे हैं, और विनेगर होगा उसे हम ऐड करेंगे, और आपके पास सोया सॉस हो उसे भी डाल सकते हैं। तो मैं टमाटर चॉप है सोया उसे भी ऐड कर रही हूँ, थोड़ा कम था उसमें, मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया था, देखिए तो मैंने उसे भी निकाल दिया है। तो आपके पास से तो डाल दीजिए, अच्छा लगेगा, चटपटा लगेगा, तो बच्चे को खाने में अच्छा लगेगा। तो यहाँ मैं स्वाद अनुसार नमक ऐड कर रही हूँ, तो इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर ले रहे हैं। तो दोस्तों बहुत ही लाजवाब बना के खिलाऊंगी, और आप लोग भी खाइएगा। और चाहे सुबह में नाश्ता बनाए, चाहे शाम को नाश्ता बनाए, या बच्चों को टिफिन भी दे सकते हैं। तो मैं देखिए रोटी की जो कटिंग की थी उसे भी ऐड कर दे रही हूँ, इसे भी हम 1-2 मिनट अच्छे से भून लेंगे धीमी आंच पे। तो देख सकते हैं कि मैं एकदम अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। तो इसमें कटा हुआ धनिया है हरा, उसे मैं ऐड कर ले रही हूँ। तो मेरा नूडल्स वाली रोटी तैयार हो चुकी है, और खाने में बहुत ही लाजवाब लगेगा। आप चाय के साथ या कॉफ़ी के साथ खाइए और मज़े उठाइए, और बताइए कैसा लगा। तो प्लीज़ जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हों वो सब्सक्राइब कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मुझे बहुत सारा प्यार दें, और मुझे सपोर्ट करें। और जो लोग नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं, ठीक है। तो इसमें हम ऊपर से सॉस ऐड कर ले रहे हैं, टमाटर सॉस। तो कैसा लगा वीडियो मेरा बताइए कमेंट बॉक्स में करके, और जो मुझसे गलती हुई उसे भी बताइएगा, मैं सुधारने की कोशिश करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।